दादी मैं आपको एक कविता सुनाने वाला हूँ। सुनाओ बेटा। मेरी प्यारी दादी माँ, मेरी न्यारी दादी माँ, बहुत प्यार से मुझे उठाए मेरी प्यारी दादी माँ। मम्मी की फटकारों से मुझे बचाए दादी माँ, इतने अच्छे वादे करती और निभाती दादी माँ। चुन्नू मुन्नू कहाँ गए उन्हें बुलाती दादी माँ। आना कमाते पर फिर भी शोर मचाती दादी माँ। हाय राम मैं भूल गई, हमें हंसाती दादी माँ। गर्मा गर्म जलेबी लाकर हमें खिलाती दादी माँ। कभी शाम को अच्छी सी कथा सुनाती दादी माँ। मेरी प्यारी दादी माँ, सबसे प्यारी दादी माँ। धन्यवाद। माँ जैसी है, माँ से बड़ी है, ममता की वो अटूट कड़ी है। माँ जैसी है, माँ से बड़ी है, ममता की वो अटूट कड़ी है। वो है मेरी दूजी माँ, दादी माँ मेरी दादी माँ। चल उनका सपन सराना, गोद में उनकी नींद में खोना। लोली उनकी ठंडी हवा है, झपिया उनकी मेरी दवा है। वो है मेरी दूजी माँ दादी माँ मेरी दादी माँ। थैंक यू। हमारी खुशियों में खुश होकर बच्चों जैसी बन जाती है। हमारी खुशियों में खुश होकर बच्चों सी बन जाती है। हमारी प्यारी प्यारी दादी हम पे प्यार बहुत बरसाती है। थैंक यू। थैंक यू। उछल बस तो रही है।
प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे। क्या कहना मिले हम छलक उठा खुशी का खुमा क्या कहना खिले खिले चेहरे से घर है मेरा गुले गुलजार आ जाओ दादी अम्मा दादी अम्मा मान जा छोड़ो भी ये गुस्सा जरा हंस के दिखाओ दादी अम्मा मान जा। हैप्पी ग्रैंड पेरेंट्स डे नाना जी नानी बोलो नानी तेरी मोरनी को मोरने गए बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। फिर दादा दादी नाना नानी वेलकम टू स्कूल आप भी खुश हैं हम भी खुश हैं खुश रहिए स्कूल खुश रहिए स्कूल खुश रहिए स्कूल। दादा दादी नाना नानी वेलकम टू स्कूल आप भी खुश हैं हम भी खुश हैं खुश रहिए स्कूल। दादा दादी नाना नानी वेलकम टू स्कूल आप भी खुश हैं दादा दादी नाना नानी वेलकम टू द स्कूल आप भी खुश है हम भी खुश है सारा स्कूल। मेरी इस जिंदगी में आप बड़े अनमोल
हमको अच्छे लगते हैं आपके मीठे बोल। नाना नानी दादा दादी वेलकम टू द स्कूल। आप भी खुश हैं, हम भी खुश है सारा स्कूल। मेरे इस जिंदगी में आप बड़े अनमोल, मेरे इस जिंदगी में आप बड़े अनमोल। हमको अच्छा लगता है आपके मीठे बोल। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। अच्छी नानी प्यारी नानी रुस्सा रुस्सी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। नमस्ते दादा दादी नाना नानी, दादा दादी नाना नानी, वेलकम टू अवर स्कूल, वेलकम टू अवर स्कूल। अगर आप खुश हैं हम भी खुश है ये स्कूल, खुश है ये स्कूल। थैंक्स। गुड मॉर्निंग, आई एम द स्टूडेंट ऑफ द क्लास फिफ्थ एंड टुडे आई स्पीच ऑन ग्रैंड पेरेंट्स डे। ग्रैंड पेरेंट्स आर द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। देयर आर मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पीपल एंड गाइड टू द फैमिली। ग्रैंड चिल्ड्रन लव देयर अलॉट। ग्रैंड पेरेंट्स प्रोवाइड अ सेल्फलेस लव एंड केयर टू द ग्रैंड चिल्ड्रन। बच्चों के शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रहता है बच्चे का सर्वांगीण विकास। अगर बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं होता है तो वह शिक्षा अधूरी है। शिक्षा हमको ज्ञानी ही नहीं बनाती बल्कि संस्कारी भी बनाती है। वह शिक्षा अधूरी है जिसमें ज्ञान तो प्राप्त कर लिया जाता है लेकिन संस्कार नहीं प्राप्त किया जाता है। इसलिए सर्वांगीण विकास के लिए बच्चों का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है, उसके लिए खेलकूद आवश्यक है, संगीत के लिए संगीत आवश्यक है, और इसी प्रकार हर विषय में पारंगत चित्रकला हो या दूसरे किसी एक्टिविटीज को करिकुलर एक्टिविटीज भी होनी आवश्यक है। अतः हमारा निवेदन है कि विद्यालय के प्राचार्य तथा जितने भी उनके सहपाठी हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों के सर्वांगीण विकास हो। केवल आधा अधूरा अगर विकास होता है तो वह पूरा नहीं माना जाता है। ठीक है, बच्चा अगर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होता है तो उसका मतलब है कि वो शिक्षा में यह पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन यदि वो कमजोर है और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो उसका विकास पूरा नहीं माना जाएगा। इसलिए कहा गया है हेल्दी बॉडी इन ए हेल्दी माइंड, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास रहता है। इसलिए सबसे पहला जो सुख है वो है निरोगी काया। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का पहला कर्तव्य है कि वह अपने शरीर को स्वस्थ रखे, और स्वस्थ रखने के लिए खान पान दिनचर्या नियमित होनी चाहिए। धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि आप सभी घर पे स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। प्रत्येक वर्ष की भांति केंद्रीय विद्यालय इस वर्ष भी ग्रैंड पेरेंट्स डे का आयोजन कर रहा है। ग्रैंड पेरेंट्स डे हम इस बार वर्चुअल मोड पे ऑनलाइन मना रहे हैं। ये ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाने की आवश्यकता आखिर है क्या? यदि हम इसकी पृष्ठभूमि देखें तो हम पाएंगे कि हमारे जो पूर्वज हैं या कह सकते हैं हमारे जो घर के बड़े हैं, इन बड़े बुजुर्गों के पास में अपार अनुभव होता है और ये संस्कार की खान होते हैं। तो ये जो अपार अनुभव है और ये संस्कार है, ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अनवरत जाता रहना चाहिए। इसका कारण यही है कि ये जो संस्कार हैं यही एक व्यक्तित्व निर्माण में सहायक कारक होते हैं। हमारा जो व्यक्तित्व है वो परिष्कृत समृद्ध तभी हो पाएगा जब हम इनके सानिध्य में रहेंगे। पहले के समय में जब छुट्टियां आती थी तो बच्चे अपने दादा दादी या नाना नानी के पास उन छुट्टियों को बिताने के लिए जाया करते थे, या दादा दादी और नाना नानी घर पे ही रहते थे तो वो अपने समय का अधिकांश उपयोग कर पाते थे। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जब व्यक्ति अपने घर अपने शहर को छोड़कर अन्य स्थान पर रहता है और छुट्टियों का उपयोग भी वो कुछ नया सीखने के लिए करता है, तब हम इन व्यक्तियों से दूर हो जाते हैं तो इनके जो अनुभव हैं उन अनुभवों से हमें सीखने का मौका नहीं मिलता।
तो केंद्रीय विद्यालय की एक अनूठी पहल है जहां पर वो चाहता है कि आप अपने इन अनुभव की खानों के पास रहें, इनसे नया कुछ सीखते रहें और अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें। पुनः आप सभी को एक बार फिर से ग्रैंड पेरेंट्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी अपने दादा दादी नाना नानी के पास अधिक से अधिक समय बिताएं, जिससे कि आपको उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिले और आपका जो जीवन है और आपका जो भविष्य है वो उज्जवल हो सके। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा केंद्रीय विद्यालय उमरिया के प्राचार्य श्री प्रफुल शर्मा सर का, जिन्होंने विद्यालय में दादा दादी नाना नानी दिवस को मनाने की अनुमति प्रदान की। उसके बाद धन्यवाद करूँगा मैं उन सभी बच्चों के दादा दादी और नाना नानी का, जिन्होंने अपने अमूल्य विचार इस दिवस पर दिए। ये विचार हमें कहीं भी किताबों में कहीं नहीं मिलेंगे, जो एक उम्र के साथ आते हैं। अनुभव एक ऐसी चीज़ है जो उम्र के साथ आती है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, और ऐसे ही विचार हमें मिलते रहें, हमारे बच्चों को मिलते रहें, ताकि हम जीवन में नैतिक मूल्य सीख सकें। और इसी कारण ये विद्यालय में दादा दादी नाना नानी दिवस मनाया जाता है, और उन सभी बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इसमें प्रतिभाग लिया, और समस्त विद्यालय के शिक्षक जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।